जी माननीय सदस्य, मैं आपको अंतिम बार कह रहा हूं, आप हर बार बीच में बोलते हैं, आपकी पार्टी को जितना था उससे ज्यादा मौका दे दिया है, बीच में बोलने से आप स्कोर करने की कोशिश नहीं करें। प्लीज 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 नो। एक मुद्दा जो कई सदस्यों ने उठाया, अध्यक्ष जी ये एकदम प्योर हाइपोथेटिकल पॉइंट है सदस्यों की तरफ से जिन्होंने उठाया है। मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष जी, ट्रैक किसका है? ट्रैक भारतीय रेलवे का है। पटरी किसकी है? रेलवे की है। स्टेशन किसका है? रेलवे का है। ऊपर के जो बिजली के तार है वो किसके हैं? रेलवे के हैं। इंजन किसका है? रेलवे का है। ट्रेन की जो कोचिज है वो किसकी है? रेलवे की है। सिग्नलिंग सिस्टम किसका है? रेलवे का है। कहां प्राइवेटाइजेशन की बात है अध्यक्ष जी? कहीं कोई प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी वैकेंसी और रिक्रूटमेंट पे बहुत बात आई अध्यक्ष जी। 2009 से 14 में 242,709 अपॉइंटमेंट्स रेलवे ने दिए थे। 14 के बाद में मोदी जी ने आके अब तक 344,646 अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी दे दिए, प्लस 1,40,713 का रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है। कई सदस्य कल बोल रहे थे कि रिक्रूटमेंट पे बैन है, कोई रिक्रूटमेंट पे बैन की बात नहीं है, रिक्रूटमेंट ऑलरेडी चल रहा है। थोड़ा सा होमवर्क करके आए, सदन की गरिमा की बात है, कोई बैन नहीं, ऑलरेडी रिक्रूटमेंट चल रहा है। मैंने बताया अध्यक्ष जी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के साथ हुई, जो मिसअंडरस्टैंडिंग अध्यक्ष जी स्टूडेंट्स के साथ हुई, हमने एकदम संवेदनशीलता के साथ छात्रों के साथ संवाद किया, छात्रों की प्रॉब्लम को समझा और उसका समाधान किया अध्यक्ष जी। माननीय सदस्य, मैं आपको अंतिम बार कह रहा हूं, आप हर बार बीच में बोलते हैं, आपकी पार्टी को जितना था उससे ज्यादा मौका दे दिया है, बीच में बोलने से आप स्कोर करने की कोशिश नहीं करें। प्लीज 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 नो। माननीय मंत्री जी, आप अध्यक्ष जी, आप मंत्री जी, आप हाँ जी अध्यक्ष जी इसके अलावा जितने भी विषय मान्यवर सदस्यों ने रखे हैं, मैं किसी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट पे इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि बहुत इसमें समय भी लगेगा और हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर डिटेल डिस्कशन करने की जरूरत है। जब तक डिटेल डिस्कशन नहीं हो तब तक आप हमारा मत समझे, हम आपका मत समझे, उसके लिए एक चर्चा की जरूरत रहती है। तो मैं निवेदन करूंगा सभी सदस्यों के पॉइंट्स इसमें रखे गए, एक साथ टीम ने कंपाइल किया है। हाँ, मैं प्राइवेटाइजेशन की बात करता हूँ अध्यक्ष जी, एक मुद्दा जो कई सदस्यों ने उठाया अध्यक्ष जी, ये एकदम प्योर हाइपोथेटिकल पॉइंट है सदस्यों की तरफ से जिन्होंने उठाया है। मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष जी, ट्रैक किसका है? ट्रैक भारतीय रेलवे का है। पटरी किसकी है? रेलवे की है। स्टेशन किसका है? रेलवे का है। ऊपर के जो बिजली के तार है वो किसके हैं? रेलवे के हैं। इंजन किसका है? रेलवे का है। ट्रेन की जो कोचिज है वो किसकी है? रेलवे की है। सिग्नलिंग सिस्टम किसका है? रेलवे का है। कहां प्राइवेटाइजेशन की बात है अध्यक्ष जी? कहीं कोई प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं। मेरे पूर्ववर्ती माननीय मंत्री श्री पीयूष जी गोयल ने सदन के फ्लोर पे क्लियरली कहा था कि रेलवे एक ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कहीं पर भी प्राइवेटाइजेशन की कोई बात ही नहीं है। कोई प्राइवेटाइजेशन की, रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं है अध्यक्ष जी, एकदम स्पष्ट है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि फ्रेट ट्रेन्स को प्राइवेटाइज किया जा रहा, बिल्कुल नहीं है। कोई फ्रेट ट्रेन को प्राइवेटाइजेशन का कोई प्लान नहीं है। और अध्यक्ष जी, प्राइवेटाइजेशन के बारे में बहुत स्पष्ट भारत सरकार की जो नीति है उसमें क्लियरली रेलवे को लिखा गया है कि रेलवे एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर है, उस स्ट्रैटेजिक सेक्टर की सोशल ऑब्लिगेशंस है, उस सोशल ऑब्लिगेशंस और कमर्शियल वायबिलिटी को देखते हुए इसके प्राइवेटाइजेशन की कहीं पर कोई चर्चा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है अध्यक्ष जी। तो ये सारे बड़े बड़े पॉइंट्स आए अध्यक्ष जी।